हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कशिश किचन। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लाई हूँ पालक की मठरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना भी बहुत इजी है इसको, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 2 कप, 1 कप सूजी। इसमें मैं मिक्स करूँगी पालक की प्यूरी जो मैंने पीस ली थी अच्छे से, और अब मैं मिला देती हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिए, और थोड़ा सा तेल मोयन के लिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक आटा बना लेंगे, इसका आटा गूंद लेंगे इसका। ये देखिए, मैंने आटा गूंद लिया है। इस तरीके से आपको आटा गूंद लेना है। अब इसकी मैं लोई बना लेती हूँ छोटी छोटी। प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। ये मैंने लोइयाँ बना ली हैं। अब इसको मैं बेल लेती हूँ छोटा छोटा। इसी तरह से हमें सारा लोइयों को बेल लेना है छोटे से। ये देखिए, मैंने सारी लोई तैयार कर ली है, बेल ली है। ये मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, और गरम हो चुका है। इसको मैं अब तल लेती हूँ मैं इसको। इसे हमें सेम आंच पर ही फ्राई करना है। अगर आप फुल आंच पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और क्रिस्पी नहीं बनेंगी, तो आपको इसे सिम पर ही फ्राई करिएगा। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, कितना अच्छा कलर आ गया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये हमारी मठरियाँ रेडी हो चुकी हैं। आप ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है।